सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम, आपका अपने चला टेक्निकल बेस में बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूँ कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाली है उन स्टूडेंटों के लिए जो कल कल इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर चुका हूँगा तो शायद कल मतलब 1 जुलाई आ जाए। बट इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिएगा और थोड़ा समझ लीजिएगा। कल जैसा कि 9:30 बजे से आपका ICR का पेपर है और फाइनली कल आप पेपर देने जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने लाख स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, क्या सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए, कैसा क्या क्या आपको ले जाना है पेपर हॉल में, तो ये सारी वीडियो ताकि आपको कोई वहाँ पे परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेपर देने के लिए निकल चुके होंगे। शायद मैं वीडियो अपलोड करते हैं वीडियो देख लें, उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि उनको क्या क्या ले जाना चाहिए, और ये सारी वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूँ, हाईलाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ऑफ इंटर्व जो है 796 हैं UG के लिए, PG के लिए 129 हैं और ARS, JRF और SRF के लिए 128 है। तो टारगेट मैंने किया है UG को लेके, और जेंडर एग्जामिनेशन बेस द जनरल जो है मेन जो है मेल जो है 118,986 लोग पेपर दे रहे हैं, फीमेल जो है 117,941 लोग। ट्रांजेंशन मतलब 4 लोग है, टोटल मिला के 236,931। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि लगभग 2,25,000 के आसपास बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है। टोटल PWD वाले 895 PWD वाले स्टूडेंट हैं। सो फाइनली मेरा बताने का टारगेट ये था, दोस्तों आप पेपर अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पेपर दे रहे हैं और इतने सारे स्टूडेंट 231,000 स्टूडेंटों में ओनली 20,000 के आसपास फैद फिटे हैं, 2,000 या 20,000 के आसपास फिटे हैं हाँ, तो केवल 15% कोटा पर ही ICR जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, और 15% कोटा पर ही ऑल इंडिया में जितनी कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है। फायर फिट है वहाँ के जो लोकल एग्जामिनेशन होते हैं उनके बेस पे, वहाँ के जो लोकल जो पेपर होते हैं एग्रीकल्चर को वहाँ से रिलेटेड सारे कॉलेज वहाँ पे फिलअप हो जाते हैं, बस 15% कोटा पर ही ICR के थ्रू होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम हाईलाइट करते हैं उन इन्फॉर्मेशन को जिनकी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। 170 फिटीज पर जो है पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो उन बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम धीरे धीरे समझ लेते हैं आपको क्या क्या पेपर हॉल में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कल पेपर है, और जो सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत सारी बातों को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पेपर हॉल में क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, मतलब आपका जो प्रवेश पत्र होता है हिंदी बोले प्रवेश पत्र, उसको लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको जो एडमिट कार्ड है वो कलरलेस ले जाना है या कलर वाइज ले जाना, दोनों आप ले जा सकते हैं। वो मुझे पता है कि आपके उसमें एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपको एडमिट कार्ड जो है कलरफुल लेके जाना है, बट ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं कि आप कलरफुल ही लेके जाओ, बट आप कलरलेस भी लेके जा सकते हो, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, आपको जो फ़ोटो है 1 पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो आपको ले जाना है, वो आपको फ़ोटो वही फ़ोटो ले जाना है जो आपकी फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फ़ोटो अपलोड किया था। अगर बाई चांस आपकी वो फ़ोटो नहीं मिलती या फ़ोटो गुम हो गई हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पेपर हॉल में ऐसे भी जा सकते हैं, पेपर हॉल में मान लीजिए ऐसे भी गए या फिर दूसरी फ़ोटो वगैरह जाकर, अगर मान लीजिए वो फ़ोटो आपका नहीं लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखवाया जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर देंगे तो आपका भी काम वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, फ़ोटो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, आपको एक डॉक्यूमेंट ले जाना है जो गवर्नमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट, चाहे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इन पैन कार्ड हो गया, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास है आइडेंटिटी के लिए, उसे आप एक उसकी फ़ोटो उसकी ओरिजिनल कॉपी आप ले जा सकते हो, ओरिजिनल दोस्तों लेके जाना है, ठीक है। और PW कैंडिडेट जो हैं उनका जो PWD से बना हुआ जो कागज़ होता है क्लेमिंग का जो भी है, वो अपना ले जा सकते हैं, और आप वहाँ पे बेनिफिट उसका भी ले सकते हैं, वहाँ भी कुछ इनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वहाँ भी आप ले जा सकते हैं। आपके लिए ड्रेस कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, यहाँ पे ये नहीं है कि आप यही वाला ड्रेस पहन के जाओ, लेकिन दोस्तों एक बात और है, सॉक्स और शूज़ वगैरह पहन के आप मत जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बाहर उतारना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, जैसे थोड़ा टाइमिंग लगेगा और इतना प्रॉब्लम भी है गर्मी का मौसम भी, तो आपको ज़्यादा ये सारी चीज़ें पहन के नहीं जानी, केवल सैंडल्स वगैरह चप्पल्स वगैरह सिंपल पहन के आप जा सकते हो मेरे तरफ से, अगर मेरी बात माने तो। एग्जामिनेशन में आपको आधा एक घंटा मतलब 1 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में के बाद एग्जामिनेशन में 1 घंटा पहले, मतलब कि जैसे 9:30 बजे पेपर है, 8:30 बजे के बाद आपको पेपर हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा, बाई चांस ऐसा बोला जाता है बट ऐसा होता नहीं, लगभग आप
पौने 9 बजे तक, 9 बजे के समथिंग आप जा सकते हो फॉरन ऑफिस पर। लेकिन थोड़ा वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। ज़्यादा टाइमिंग तो नहीं लगता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपके एडमिट कार्ड वगैरह चेक होंगे, फ़ोटोज़ वगैरह चेक होंगे, आपने कोई चीज़ तो नहीं लाया है उसे जमा करवाया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइमिंग बीत जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा पहले आपको बुलाया जाता है। ठीक है, एक ही मैंने हाल में मतलब आप फिंटर्फ पर लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे पहले भी पहुंच सकते हैं। फिंटर्फ में हाल में आपको घुसने के बाद आप एडमिट कार्ड को केयरफुली एक बार पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ से अपने 2 घंटे पहले 2.5 घंटे पहले चेक की जो ट्रैफिक वगैरह में आप ट्रैफिक जाम वगैरह में आप फंसे हैं, ताकि एग्जामिनेशन रूम में और हाल में अच्छे से आप पहुँच सकें। तो यही सारी चीज़ें इस इंफॉर्मेशन में लिखी हुई हैं। इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर प्रोसेस वैलिडी एडमिट कार्ड, और वहाँ पे रूम के अंदर हो जाने के बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह वेरीफाई होगा, थम इम्प्रेशन होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। और आपको जो सीट अलॉट हुई है उसी सीट पे आप ढूंढ के अपनी सीट पे जाके बैठें। और आपके लिए जैसे ही आपका वो MRI सीट आता है उसे MRI सीट को आप अच्छे से भरें। उसके बाद अच्छे से भरने के बाद आपको क्या करना है, फाइनली बस पेपर आने का वेट करें। पेपर आने के बाद आपको पेपर देना है। उसके बाद पेपर दोस्तों केयरफुली पढ़िए पहले एक बार, फिर उसके बाद अच्छे से पेपर दीजिए। मेरे समझ से तो मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट तो आप केमिस्ट्री और मैथ में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स टफ पोर्शन रहेगा, तो उसको नहीं भी दे सकते हैं तो भी काम आपका हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार इन्फॉर्मेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार आपको बता ही दे रहा हूँ, आप एक बार पढ़ के जाइएगा। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं ले जाना है, आपको पेन वगैरह भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पेन भी मिलता है, लेकिन अपने साथ एक पेन लेके ही जाएं। और पेपर जो होगा ऑनलाइन बेस पे होगा, ठीक है, तो उसकी भी आप लोग टेंशन ना लें। ऑनलाइन पेपर होगा, आपको पेपर ऑनलाइन देना है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। आपको रफ कॉपी और पेन वगैरह जो होगा वहीं से दिलाया जाएगा, आपको वहाँ पेन वगैरह ले जाना चाहिए और ले जा भी सकते हैं, लेके चले जाइएगा। आपके लिए अपना एक चीज़ लिए रहें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, 15 इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। 15 में से मैं मानता हूँ कि ज़्यादा सारी चीज़ों को फॉलो करना अलाउ है, बट सारी चीज़ों को फॉलो कर भी सकते, नहीं भी सारी चीज़ों को फॉलो करिए, ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो यही मैं बताऊंगा कि आप अच्छे से पेपर दें और पेपर को केयरफुली पढ़ें, क्योंकि दोस्तों देखो 2.5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और आपके जैसे यहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं जो आपके तरह ही हैं, और बहुत सारे बच्चे ही पेपर दे रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। उसके बाद अपने चैनल पे होगा कि आप कितना कट आप गया, कैसा क्या गया और कितने नंबर का आप गया। 160 क्वेश्चन रहेंगे, 600 नंबर का पेपर रहेगा, आप अच्छे से पेपर दें। और बस यही इन्फॉर्मेशन देना था, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। केयरफुली ये वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, शायद आपका कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों अगर आपका कोई भी जवाब सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।